जय श्री राधा कृष्ण। आपने सुना ही होगा हाई कोर्ट वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में कॉरिडोर बनवाना चाहती। तो देखो समझो, वृंदावन की हर गली कुंज गली है, हर गली का अपना इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से ये गलियां जुड़ी हुई है। गलियारा बनने पर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की 9 से ज्यादा कुंज गलियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। साथ ही इन गलियों की पौराणिकता और प्राचीनता पर भी संकट आएगा। कुंज गलियां ही वृंदावन की पहचान है और हम इन गलियों को उजाड़ देंगे तो वृंदावन अपना अस्तित्व नहीं खो देगा। इसीलिए मैं श्री योगी जी को निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया ये अनर्थ होने से रोकें। मेरी बात को आप दिल से समझोगे तो दिल में आपकी ये बात उतरेगी। जो वहां का आनंद है, जो वहां की प्राचीनता है, वो सब खत्म हो जाएगा। मंदिर अगर, जैसे कहा जा रहा है कि मंदिर अंदर से तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, तो देखो भीड़ तो तब भी होगी ना। इस समय हो रहे प्रयासों को देखकर मुझे दिल से ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन का आधुनिकरण करके है ना टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही है। आप बस ये चाहते हो कि बिजनेस बढ़े, सरकार के पास पैसा ज्यादा आए, है ना, टूरिस्ट घूमने की जगह बन जाए, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 31 जनवरी 2024 को मामले की अगली सुनवाई होगी। उससे पहले मैं सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करती हूँ एक हैंड रिटन लेटर योगी जी को भेजे और इस अनर्थ को होने से बचाए। ये कॉरिडोर बनाने की जगह एक चीज करी जा सकती है भीड़ को रोकने के लिए कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करा जाए, जैसे कोरोना के टाइम पे किया था। इससे क्या होगा, भक्तों को एक टाइम दे दिया जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट इस टाइम पे है, आप उसी समय आना है, और एक समय पे ज्यादा भक्त आएंगे नहीं तो भीड़ कंट्रोल रहेगी। इतना पैसा कॉरिडोर पे लगाने की जगह आप इसका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अगर कॉरिडोर बना तो वृंदावन का रंग रूप और संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्लीज ये होने से रोकिए। लोगों को ये लग रहा है कि काशी विश्वनाथ में ये हो गया है तो हम यहां पे भी कर देंगे, बट प्लीज आप मेरी बात समझो, ये प्रेम की बात है, ये आधुनिकरण की विकास की बात नहीं है, है ना। यहाँ पे भक्त आते हैं अपने प्यारे से मिलने के लिए। आप खुद सोचो, हमारे घर में कोई आ रहा है और हम ये कहें कि भाई उन लोगों के लिए फिर हम घर को तोड़ दें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, और ठाकुर जी तो उन्हें अपना प्यारा कहते हैं, वो तो ठाकुर जी के अपने लोग हैं, तो उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट बढ़ रही हूँ, हम लोगों को ही आगे बढ़कर इसको रुकवाना होगा। प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और योगी जी तक इसको पहुंचाएं। जय श्री राधा कृष्ण।